नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हमारे साथ है टाटा की हैरियर सनलाइट येलो कलर में और ये मॉडल है फियरलेस प्लस एस ड्यूअल टोन ऑटोमेटिक। दोस्तों आज इस गाड़ी के बारे में हम इसकी प्राइस, इसके फीचर्स वगैरह की बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों अगर आप वडोदरा के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पर ABC ऑटो लिंक में आ सकते हैं। शोरूम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है, आपको यहाँ पर सारी मतलब जो भी सर्विस से लेके सब कुछ है यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वडोदरा के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, हैरियर टेस्ट ड्राइव के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त नितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे इसकी कीज से, तो कुछ इस तरह की इसमें की दी गई है। लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, हेडलैम्प ऑन करने का बटन और बूट अनलॉक का बटन दिया गया है। एक बार मैं हेडलैम्प ऑन करके दिखा दूँ आपको, फुल LED वाइट कलर के हेडलैम्प मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर टाटा का बड़ा सा लोगो दिया गया है, उसके बिल्कुल नीचे आप कैमरा देख सकते हैं क्योंकि 360 डिग्री आपको इसमें मिल जाएगा। ग्रिल एक बार देख ले, पियानो ब्लैक फिनिश कलर में दी गई है जिसपे क्रोम की फिनिश दी गई है। बाकी उसके नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग है और यहाँ पर एडास का जो फीचर आता है उसके लिए जो सेंसर है वो दिया गया है। बाकी नीचे आप एडम देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा एडम दिया गया है और दो पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। DRLs की बात करूँ तो आपको यहाँ पे पूरा बोनेट पे कनेक्टिंग LED DRLs मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे ये टर्न इंडिकेटर्स का काम करेंगे। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं LED हेडलैम्प्स दिए गए, ये फुल LED हेडलैम्प्स रहने वाले हैं, वाइट कलर में रहेंगे। उसके नीचे फॉग लैम्प्स भी दिए गए जो कि फुल LED रहने वाले हैं और बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है। बाकी उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बम्पर नीचे दिया गया है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। तो यह है कुछ गाड़ी का आगे का लुक। एक बार वाइपर्स चेक कर ले तो कुछ इस तरह के यहाँ पे वाइपर्स मिलने वाले हैं, ये एरो ट्विन वाइपर्स है, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैरियर में ऐड की गई है। अभी हम चलेंगे गाड़ी के साइड में। यह है कुछ गाड़ी का साइड लुक। सबसे पहले बात करें टायर के बारे में तो यहाँ पे आपको 18 इंच के टायर्स मिलने वाले हैं बड़े। एक बार टायर से चेक कर ले, 235/60R18 यानी कि 18 इंच के आपको यहाँ पे बड़े एलॉयज मिलेंगे। एलॉयज यहाँ पे देख ले पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं जो कि टाटा ने नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर आप हैरियर के डार्क एडिशन को लेते हैं तो आप में आपको उसमें 19 इंच के टायर मिलेंगे और सफारी में आपको सभी वेरियंट में 19 इंच के टायर्स मिलने वाले हैं। हैरियर का अगर आप डार्क एडिशन के अलावा कोई भी कलर लोगे तो उसमें आपको 18 इंच के टायर्स मिलेंगे। बाकी आगे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। यहाँ पे क्लैडिंग आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी पे यहाँ पे फैली हुई है, पीछे की तरफ जाती है। यहाँ पे हैरियर की बैजिंग आप देख सकते हैं नए फ्रंट में दी गई है। ORVM की बात करूँ तो टर्न इंडिकेटर्स आपको ORVM पे दिए गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ORVM मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप कैमरा देख सकते हैं जो कि 360 डिग्री के लिए कैमरा दिया गया है। तो ऊपर भी ब्लैक कलर, पियानो ब्लैक कलर है, ड्यूअल टोन कार है तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में मिलने वाले हैं। डोर अनलॉक की बात करूँ, हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा और बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे। पीछे की तरफ भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं जो कि मैट ब्लैक कलर में मिल जाएंगे। यहाँ पे 50 लाख कार्स की बैजिंग और ये पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाला है। यहाँ पे अगर बात करूँ फ्यूल टैंक की तो आपको 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी जो कि डीजल रहने वाली है। तो ये था कुछ गाड़ी का साइड लुक। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। तो ये है कुछ गाड़ी का पीछे का लुक। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, आपको यहाँ पे बड़ा सा स्पॉइलर मिल जाएगा जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाला है। यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है, यहाँ पे आपको वॉशर भी मिल जाएगा। बाकी डिफॉगर आपको यहाँ पे पीछे मिल जाने वाला है। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, यहाँ पे जो सफारी वाला उनका लोगो आता है वो दिया गया है। यहाँ पे रियर वाइपर दिया गया है, उसके बिल्कुल नीचे देखे तो टाटा का लोगो दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट की प्लेसिंग, हैरियर की बैजिंग जो कि नए फ्रंट में रहने वाली है, उसके नीचे ब्लैक बम्पर दिया गया है, नीचे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर किए गए हैं। टेल लैंप्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे फुल्ली LED सेटअप मिलने वाला है जो कि कनेक्टिंग टेल लैंप्स रहने वाले हैं जो कि पूरे बम्पर पर फैले हुए हैं। बाकी यहाँ पे
और टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हैं जो कि सिक्वेंशियल रहने वाले हैं। उसके नीचे रिवर्स पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए। बूट को हम गेस्टर से एक बार अनलॉक कर ले तो एक बार आप देख ले, यहाँ से कुछ आपको ऐसे टेप करना होता है तो ये अनलॉक हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। पावर टेलगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी एक बार इसका बूट स्पेस देख ले, आपको 445 लीटर्स का बूट स्पेस रहने वाला है अगर आप पार्सल ट्रे हटा देते हैं तो। अगर पार्सल ट्रे रहती है तो 410 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा आपको, पार्सल ट्रे यहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको हुक मिल जाएगा जिसमें आप 2 kg लगा पाएंगे, तो कुछ इस तरह से ये हुक यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको सबवूफर मिल जाएगा JBL का, इसमें आपको 2 सबवूफर, 4 स्पीकर और 4 ट्विटर, ऐसे आपको 10 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएगा। इसके नीचे एक बार देख ले कितना स्पेस आपको, कुछ थोड़ा सा अगर छोटा छोटा सामान है अगर आप इसे यहाँ पे रख पाएंगे। सीट्स की बात करूँ तो 60-40 स्प्लिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, तो इसे आप स्प्लिट कर पाएंगे। स्पेयर टायर एक बार देख ले, नीचे की तरफ आपको स्पेयर टायर दिया गया है, कुछ इस तरह का स्पेयर टायर है। तो ये था इसका बूट, एक बार इसे हम क्लोज़ कर देते हैं, तो इसे हम यहाँ से क्लोज़ कर पाएंगे, इसको प्रेस करना होगा तो ये कुछ इस तरह से क्लोज़ हो जाएगा। अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। ये है कुछ गाड़ी का फ्रंट डोर। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर मिलने वाला है जो कि ये सॉफ्ट टच रहेगा और ये हार्ड प्लास्टिक है। डोर अनलॉक हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर दिया गया है, यहाँ पे चारों पावर विंडो अप एंड डाउन के बटन, यहाँ पे जो हैंडल दिया गया है वो येल्लो कलर में मिलने वाला है जो कि बॉडी कलर है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाला है। उसके नीचे आपको 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है और यहाँ पे आपको स्पीकर दिया गया है। यहाँ से आप ORVM को कंट्रोल कर पाएंगे जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्ड रहने वाला है जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी यहाँ पे आपको पडल लैंप भी मिल जाएगा तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एक बार यहाँ से सीटिंग देख ले। सीट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन मिल जाएगा, वेंटिलेटेड सीटें आपको आगे की तरफ मिल जाएगी ड्राइवर और को ड्राइवर साइड सीट साइड के लिए, और यहाँ पे आपको फुल्ली इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टेबल सीट मिलने वाली है, रिक्लाइन और स्लाइडिंग वगैरह। तो ये इसकी है सीट पोजीशनिंग। अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में तो आपको यहाँ पे 4-स्पोक डीकर स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है जो कि लेदरेट रहेगा। यहाँ पे आपको मैं एक बार इसे ऑन करके दिखा दूँ तो कुछ इलिमिटेड लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे वेलकम एक बार देख ले जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं स्टीयरिंग की, एक बार आप देख ले कैसे वेलकम करता है। तो स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कॉल्स ब्लूटूथ वगैरह के, और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एयरबैग की प्लेसिंग, हॉर्न की प्लेसिंग दी गई है, ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाला है और यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार है। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो 10.25 इंच की फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगी, इसमें आपको सारा कुछ है वो डिजिटली शो करेगा। तो ये इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, एक बार जूम करके मैं दिखा दूँ, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे क्वालिटी दी गई है जो कि स्क्रीन की है। डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह सब कुछ फ्यूल यहाँ पे शो करेगा, जो इंजन हीटिंग है वो वहाँ पे शो करेगा, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है। बाकी साइड की बात करूँ तो आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है, AC वेंट की ब्लेसिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जो गाड़ी का कलर है उस हिसाब से यहाँ पे ट्यूनिंग की गई है, तो यहाँ पे येलो कलर दिया गया है। उसके नीचे आप एम्बिएंट लाइट देख सकते हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है जो कि नेक्सोन में आपको प्लास्टिक मिलता था, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच अवेलेबल कराया गया है। बाकी उसके नीचे पैडल्स एक बार देख ले, आपको ऑटोमेटिक कार है तो 2 ही पैडल्स मिलने वाला है। हुड अनलॉक करने के लिए यहाँ पे प्रेसिंग दी गई है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाकी सेंटर कंसोल की एक बार बात करूँ तो आपको 12.3 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है जिसकी एक बार टच रिस्पॉन्स एक बार देख ले, कुछ इस तरह का आपको टच रिस्पॉन्स मिलने वाला है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे टच रिस्पॉन्स दिया गया है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजोन एलेक्सा, क्लाइमेट कंट्रोल, JBL मोड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है, तो कुछ इस तरह का आपको दिया गया है। तो इसकी रिस्पॉन्स देख ले। इसकी ऑडियो क्वालिटी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, इसमें 10 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएगा, 2 सबवूफर, 4 ट्विटर और 4 स्पीकर के साथ, तो इसकी साउंड क्वालिटी मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है जो कि टाटा की जो टच स्क्रीन की जो क्वालिटी होती थी वो पुरानी गाड़ियों में नहीं अच्छी होती थी, सब इसे लेकर कंप्लेंट करते थे, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बाकी डैशबोर्ड की एक बार बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबवूफर एक मिल जाएगा, एक मैंने आपको पीछे बताया था, काफ़ी वाइड यहाँ पे डैशबोर्ड दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल जाएगा,
थोड़ा सा सॉफ्टर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा, तो प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। उसके नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको येलो फिनिश मिलने वाली है जो कि यहाँ पर यहाँ तक फैली हुई है। यहाँ पे आपको दो एसी वेंट्स मिल जाएंगे, एक वहाँ पे है, तो चार एसी वेंट्स आपको आगे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा टच कंट्रोल दिया गया है जिसमें हैजर्ड लैम्प, बूटन लॉक, कार अनलॉक अनलॉक का बटन, 360 कैमरा डिग्री कैमरा का बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार मैं इसे आपको ऑन करके दिखा दूँ, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, तो इसे हम ऑन कर देते हैं। कुछ इस तरह की आप क्वालिटी देख सकते हैं। साइड का भी एक बार देख ले, इस साइड देख ले, पीछे लोग खड़े हुए आप देख सकते हैं, पीछे का एक बार व्यू देख ले। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको क्वालिटी दी गई है। एक बार 3D में भी देख ले, 3D में आपको किस तरह का आपको व्यू मिलने वाला है। तो यहाँ पे टाटा ने काफ़ी सुधार किया गया है। जो कैमरा क्वालिटी है इसकी वो काफ़ी बढ़िया है। एक बार इसका भी रिस्पॉन्स देख ले, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया गया है। मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी। एक बार साइड से भी देख ले, दोनों साइड से, यहाँ से और एक बार पीछे से भी देख ले, तो कुछ इस तरह का आपको दिया गया है। इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं। बाकी यहाँ पे एसी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। तो इस साइड अगर किसी को कम रखना है टेम्परेचर और इस साइड किसी को ज़्यादा रखना है तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। बाकी उसके नीचे यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक जाती है, तो पूरी यहाँ पे डैशबोर्ड पर फैली हुई है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा। उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, USB चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पे टाइप सी 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का पॉइंट चार्जिंग दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट टच यहाँ पे थोड़ा दिया गया है जो कि गाड़ी का जो कलर है। बाकी यहाँ पे ये डायल देख सकते हैं, इस पे भी थोड़ी सी छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पे वेट मोड, सैंड मोड और रफ मोड दिया गया है। बाकी यहाँ से आप गाड़ी के मोड चेंज कर पाएंगे। एक बार मैं करके दिखा दूँ, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो यहाँ से इकोनॉमी हो जाएगा, यहाँ से स्पोर्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिल होल्ड असिस्ट का बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। एक बार इसका गियर नॉब देख ले, मोनो शिफ्टर गियर नॉब मिलने वाला है जो कि ऑटोमेटिक कार है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगी, ऑटो होल्ड का फीचर आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। कप होल्डर्स एक बार देख ले, तीन छोटे या दो बड़े कप यहाँ पे आ जाएंगे। आर्मरेस्ट की बात करूँ तो इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, तीन चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे 12 वाट का, और यहाँ पे दो USB और टाइप सी मिल जाएगा। तो कुछ इतना स्पेस यहाँ पे आपको दिया गया है। आर्मरेस्ट की क्वालिटी देख ले, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे क्वालिटी है। सीट्स एक बार देख ले, कुशनिंग काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कुशनिंग दी गई है। वेंटिलेटेड सीट है, को ड्राइवर साइड भी। ग्लो बॉक्स एक बार देख ले, कुछ इस तरह का आपको ग्लो बॉक्स मिल जाएगा जो कि कूल्ड रहने वाला है। इसमें भी आपको लैंप दिया गया है। बाकी IRVM की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है। यहाँ पे जो को ड्राइवर साइड पैसेंजर एयरबैग है वो ऑन और ऑफ है या नहीं वो यहाँ पे शो करेगा, जिसे आप वहाँ से ऑन ऑफ कर पाएंगे। बाकी एक बार रीडिंग लैंप देख ले, कुछ इस तरह का आपको वाइट रीडिंग लैंप दिया गया है। इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ, कुछ इस तरह का आपको रीडिंग लैंप मिलने वाला है। यहाँ पे SOS का फीचर देख सकते हैं, तो कभी आपका एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी ब्रेक डाउन हुई कुछ भी हुआ तो इसे आप प्रेस करेंगे तो टाटा मोटर्स के किसी भी नज़दीक के शोरूम पर आपकी कार की लाइव लोकेशन चली जाएगी, तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। बाकी सनरूफ एक बार देख ले, तो एक बार मैं दिखा दूँ, यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी। इसे एक बार ओपन कर देते हैं, वन टच ओपन है, फुल्ली पैनारोमिक सनरूफ मिलने वाला है। वाइड एंगल में एक बार देख ले तो कुछ इस तरह से ये सनरूफ ओपन हो जाएगा। अभी हम इसे एक बार वॉइस से कंट्रोल करके क्लोज करेंगे, तो यहाँ से आपको ये प्रेस करना होगा, सनरूफ सनरूफ बंद कर दीजिए। जरूर सनरूफ बंद कर रहे हैं। तो ये सनरूफ बंद हो चुका है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे लगा जो कि, लेकिन ये जो सनरूफ का नीचे का पार्ट है वो आपको यहाँ से बंद करना पड़ेगा, ये वॉइस कमांड से नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं बंद हो रहा है। तो ये था कुछ गाड़ी का आगे का लुक। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। ट्विटर एक बार मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह का यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग दी गई है दोनों साइड, और आगे की सीट्स मेरी सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। मेरी हाइट है 5'6", तो पीछे की साइड देखते हैं लेग रूम और हेड रूम वगैरह कितना मिलता है। ये है कुछ गाड़ी का रियर डोर। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे भी आपको पूरा ब्लैक कलर मिलने वाला है। ऊपर हार्ड प्लास्टिक, नीचे सॉफ्ट टच दिया गया है। डोर हैंडल अनलॉक देख ले, सिल्वर कलर का दिया गया है। यहाँ पे भी आपको येलो कलर मिल जाएगा जो कि हैंडल है। बाकी यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडो अप एंड डाउन के बटन, यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग, नीचे स्पीकर की प्लेसिंग, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, अपना मोबाइल आप रख पाएंगे, उसके नीचे 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस, और यहाँ पे भी आपको पेडल लैंप्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक फीचर और ऐड किया गया है जो कि सनसेट है। तो यहाँ से पीछे की तरफ आपको सनसेट मिल जाएगा जिसे आप यहाँ पे ऐसे लगा पाएंगे।
तो कुछ इस तरह का आपको सनसेट मिलने वाला है। पीछे से एक बार इसकी सीटिंग पोजीशनिंग देख ले, कुछ इस तरह की सीटिंग पोजीशनिंग है। अभी हम एक बार अंदर बैठ के देख लेते हैं कि कितना आपको स्पेस मिलता है, लेगरूम वगैरह। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, एक बार देख ले कुछ इतना आपको स्पेस मिलने वाला है। वाइड एंगल में देख ले, काफ़ी बढ़िया यहाँ मुझे स्पेस मिल रहा है, मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से बैठ पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे भी आपको एक पॉकेट दिया गया है, पूरी लेदरेड सीटें रहने वाली है। यहाँ से एक बार सेंटर में देख ले, कुछ इस तरह से आपको स्पेस दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, टाइप सी और यूएसबी। तो कुछ इस तरह का आपको सेंटर कंसोल मिलने वाला है। एक बार हेडरूम देख ले मेरा, काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे हेडरूम मिल रहा है, तो मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया। और आपको यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ भी ऑफर किया गया है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हेडरूम मिल रहा है। बाकी थाई सपोर्ट एक बार देख ले, कुछ इस तरह का आपको थाई सपोर्ट मिलने वाला है, काफ़ी डिसेंट इनफ आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट मिल रहा है। पीछे की सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुशनिंग काफ़ी बढ़िया दी गई है, पूरी लेदर रहने वाली है। हेडरेस्ट की बात करूँ तो आगे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे दोनों साइड, और पीछे की तरफ भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि अगर आप सो गए तो आपका हेड जो है वो ऐसे टिल्ट नहीं होने वाला है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, काफ़ी स्पोर्टी भी लग रहा है। बाकी पीछे से एक बार व्यू देख ले, कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको 1, 2 और 3, तो आपको 3 यहाँ पे सीट बेल्ट मिलने वाले हैं। एक बार एक देख ले, आपको आइसोफिक्स भी यहाँ पे ऑफर किए गए, तो यहाँ पे आपको आइसोफिक्स माउंट मिल जाएंगे दोनों साइड। एक बार मैं इसे अनलॉक कर दे रहा हूँ, आपको आर्मरेस्ट दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह का आपको आर्मरेस्ट मिलने वाला है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सीट्स की क्वालिटी मुझे लगी। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स आप देख सकते हैं, बाकी और यहाँ पे भी हुक दिया गया है, यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप सेपरेट दिया गया है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे है और एक आगे की तरफ है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे पीछे से लुक रहने वाला है। वैनिटी मिरर एक बार चेक कर ले तो आपको को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाएगा विथ लाइट्स, और ड्राइवर साइड एक बार देख ले तो आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलने वाला है। तो ये थी कुछ इसके पीछे की बात, अभी एक बार इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं और बाद में बात करेंगे इसकी प्राइस, वारंटी और सब कुछ। चलिए दोस्तों एक बार इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं, इसे मैं प्ले कर दे रहा हूँ। काफ़ी यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी दी गई है, 10 में से 9.5 ज़रूर देना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया मुझे इसकी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी लगी। अभी हम चलते हैं गाड़ी के बाहर। तो अब है वीडियो का लास्ट पार्ट, सबसे पहले बात करें वारंटी के बारे में, तो इसमें आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाएगा, जो कि 168 BHP की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। माइलेज की अगर बात करूँ तो हाईवे पर ये कार आपको 15 से 16 KMPL का माइलेज देगी, और सिटी में आपको 11 से 12 KMPL का माइलेज क्लेम करके देगी। बाकी इसकी प्राइस की बात करूँ तो आपको ये कार, जो कि मॉडल है फियरलेस प्लस ड्यूअल टोन ऑटोमेटिक, इसकी प्राइस रहने वाली है 25,89,000 रुपये एक्स शोरूम। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसका क्रैश टेस्ट आ चुका है, जिसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंडिया की सबसे सेफेस्ट SUV है बन चुकी है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार इसकी फाइंडर की नॉइज़ सुना दे रहा हूँ। कुछ इस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी रहने वाली है, 5 स्टार ये कार रहने वाली है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दी गई है। इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार ये बन चुकी है। तो ये थी टाटा हैरियर सनलाइट येलो कलर में, जिसका मैंने फुल रिव्यू किया। अगर कुछ भी अगर छूट गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वडोदरा के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पर ABC ऑटो लिंक में आके चेक कर सकते हैं। तो ये थी कुछ हैरियर की बात। दोस्तों अगर आपको जानकारी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।